अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये आज हमारे पास सेट है सैमसंग का J7। इसका FRP लॉक हमने रिमूव करना है। गूगल अकाउंट जो जीमेल आईडी होती है वो हमने रिमूव करनी है। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये चेक करें, ये जो ऑप्शन होता है ये इसका वर्क नहीं कर रहा है इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ से जो ऑप्शन होता है ये भी नहीं वर्क कर रहा है। ये मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये भी नहीं वर्क कर रहा। बिल्कुल इसका इजी तरीका है। हर सैमसंग का कोई भी जो 6.0 में जितने भी सेट हैं, ठीक है ना, इसका बिल्कुल ईजी तरीका है, ठीक है। टॉक बैक के ज़रिए भी मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये ऑप्शन भी इसका वर्क नहीं कर रहा। ये चेक करें, ये ऑप्शन भी नहीं इसका वर्क कर रहा, ठीक है। दोस्तों आज हम टॉक बैक के ज़रिए करेंगे। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखते जाएं आप ना, बिल्कुल इजी तरीके से जो ये ऑप्शन है ना, सिंगल टॉप एक्टिवेशन, इससे आपने ओपन कर देना है, ठीक है। बाद में आपने इसके अंदर चला जाना है टेक्स्ट टू स्पेस सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आपने क्लिक करना है इसे, ये सेटिंग फॉर सैमसंग के अंदर जाना है आपने, और यहाँ पर आपने डबल क्लिक करना है। ये देखें, ये हमारा जो इसका गैलेक्सी स्टोर होता है ये खुद ब खुद ओपन हो गया है यहाँ से ना। हमने करना है यहाँ पर सैमसंग ब्राउज़र हमने डाउनलोड करना है यहाँ से, ठीक है। ये देखें, सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र ये लिखा हुआ है, ये हमने डाउनलोड करना है। ये हम डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं इसे। ये यहाँ पर हम VNROM लिखेंगे, ठीक है।
ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।